मुझे प्रॉब्लम ये थी सर कि जब मैं चलता था 10 कदम भी तो मेरी सांस फूलती थी, पसीना आता था बहुत मुझे जी। और मेरे राइट साइड चेस्ट से हर वक्त दर्द बना रहता था जी, और ये दर्द जो है पूरे हाथ में रहता था। दवा खाने के बाद में आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं? पूरी तरह स्वस्थ हूँ, न चलने में दिक्कत है, ना मुझे ज़्यादा पसीना आता है, और मान लीजिए अपने को बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। चलो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नितेश भाई। डॉक्टर साहब शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर अमन खान। अमन खान जी जी, आप रहते कहाँ हैं? हम ये शहनशाबाद जमालपुर। शहनशाबाद जमालपुर अलीगढ़। अलीगढ़ जी। डॉक्टर साहब तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? मुझे प्रॉब्लम ये थी सर कि जब मैं चलता था 10 कदम भी तो मेरी सांस फूलती थी, पसीना आता था बहुत मुझे जी। और मेरे राइट साइड चेस्ट से हर वक्त दर्द बना रहता था जी, और ये दर्द जो है पूरे हाथ में रहता था यहाँ पर जी। यानी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत थी और ये हार्ट प्रॉब्लम का। अब फिर मैंने अपना वो दिल का चेकअप करवाया तो उसमें चर्बी बढ़ी हुई आई खून में बहुत ज़्यादा जी, यानी कि नॉर्मल से भी दुगनी आई थी। यानी पूरी तरह से ये चांस बन गए, यानी हार्ट की दिक्कत होने वाली थी। दिक्कत होने वाली क्या थी, ये मैंने उड़ी थी जी जी। यानी अटैक नहीं पड़ा था, इतनी सहूलियत थी, यानी वो सारी चीज़ें नॉर्मल थी, लेकिन अटैक वाली कांडी नहीं हुई थी जी। तो डॉक्टर साहब आपने कौन सी दवा ली? ये नहीं थी अपना कार्डियोडॉक्ट जो आप देखे गए थे जी जी। कार्डियोडॉक्ट आपने हमारे यहाँ से ये कार्डियोडॉक्ट दवा ली? हाँ। कार्डियोडॉक्ट दवा यानी क्या डब्बे पिए हैं आपने? सिर्फ हमारे पास 2 डब्बे पिए हैं ये, और 2 डब्बे में मेरा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल है, जितना ही बढ़ा हुआ था सब बढ़ कर नीचे आ गया। प्लस मेरे जो चेस्ट में दर्द रहता था साइड में बहुत दर्द रहता था, मैं लगातार कम से कम 1.5 किलोमीटर भी चलता हूँ तो मुझे कोई ना थकन महसूस होती है ना सांस फूलती है जी। डॉक्टर साहब यानी कहने का मतलब ये है 2 डब्बा दवा पीने के बाद में आज आप पूरी तरह से नॉर्मल हैं, कोई भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, जो हार्ट की प्रॉब्लम थी ना वो वाली दिक्कत रही है। मैंने टेस्ट करवाया उसमें भी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आया था जी। यानी आपने टेस्टिंग वगैरह कराई है वो भी सारी नॉर्मल हैं, आज पूरी तरह से ठीक हैं जी। ठीक है। तो डॉक्टर साहब दवा कैसी रही आप? दवा बहुत बढ़िया, इसका कोई जवाब नहीं है, कोई टक्कर नहीं। अगर मैं किसी और की दवा खाता अंग्रेजी तो कम से कम मुझे पूरी साल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल करने में वक्त रहता पूरे साल में जी, और उसके बाद ही हो पाता है ना हो पाता। तो फिर हम मरीजों को देखते हैं, खिलवाते हैं जो है अंग्रेजी दवा एट्रोवास्टिन, और वही है खा लिया तारा बाजा की लाइफ टाइम से बन जाती है वो दवा, तो उसका ख़त्म करने के लिए छूटती नहीं है, लाइफ टाइम लगी रहती है। लेकिन ये दवा खाने के बाद में आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं? पूरी तरह स्वस्थ हूँ, ना चलने में दिक्कत है, ना मुझे ज़्यादा पसीना आता है, और मान लीजिए अपने को बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। चलो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, ये जान के आपसे बड़ी खुशी हुई, और दवा